हेलो एवरीवन। सो आज हमारी लाइव रिकॉर्डिंग जो थी उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, देयर वाज एन एको। कोई बात नहीं, वो गाइडिंग टूल जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले थे उसको मैं एक आप शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बना के अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। मार्केट क्लोज हो चुका है राइट नाउ, आप देख सकते हो टाइम इज़ अराउंड 3:38। ओके, मार्केट क्लोज हुए 8 मिनट हुआ है और ये वीडियो हम लोग बना के आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। नाउ एक बार हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आप लोगों को जो प्राइम मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे स्टार प्राइम मेंबर्स हैं, उनको क्या चीज़ दिखती है। आप लोगों को ये बॉटम का सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ट्रेड सेटअप बना हुआ है। ओके, ऊपर का सिर्फ डेटा एक कंपाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है हमारे। ये डेटा सेट आपको भेजा जाता है जिसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तरफ बाय मिलता है और एक तरफ सेल करने के लिए ऑप्शन मिलता है। बाय का मीन्स है आप कौन से कॉल या पुट को बाय कर सकते हो, सेल का शोज के आपको क्या सेल करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के किस प्राइस के अराउंड बेचना है। उसके साइड में आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव रेंज लिखी हुई है। इट शोज़ कि मार्केट में ये जो स्ट्राइक है वो कितना मूव करेगी अप एंड डाउन। ओके, वो करेंटली जो आईवी होता है उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये आईवी रेंज निकाली हुई है। ओके, नाउ फटाफट हम लोग चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों को जानने की। इसमें अगर आप मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और बेटर होगा कि मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ। गिव मी अ मिनट। मैं आपको मॉर्निंग में इमेजेस जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं मैं आपको वो एक बार शो कर देता हूँ। अब आपके सामने ये सेटअप है जो जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं आप लोग देख सकते हो कि मॉर्निंग में आपको किस तरीके से सेटअप प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी कैसे शो करता है और निफ्टी कैसे शो करता है। आप लोगों ने देखा था मॉर्निंग में कॉन्फिडेंस वाज नॉट गुड, और अगर मैं क्लोजिंग के टाइम की बात करूँ बैंक निफ्टी तब भी अराउंड उसी लेवल्स पर था, बट हमारा निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर गया था। निफ्टी में ऑलमोस्ट 18,300 के लेवल्स पर हम लोग आ गए थे। ओके, 18,400 के लेवल से। तो अगर आप देखोगे पर लॉट की पर लेग की बात करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। आप देख सकते हो अगर आप चेक करना चाहते हो क्या डिफरेंसेस आए हुए हैं आफ्टर सेटअप। नाउ अब हम लोग डायरेक्टली वापस आते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स डायरेक्टली अब आपको दिखाता हूँ हमारा एक्सेल जो हम लोग अभी शो कर रहे थे। ये देखो नो, अगर आप ध्यान से देखोगे हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, मैंने अपर रेंज में आपको बात कर लिया जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये आर और एस क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ। हम लोग पर्टिकुलर एक एक आइटम के ऊपर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा ये आर एस क्या है। आर रिप्रेजेंट दी रेजिस्टेंस, ओके, और सपोर्ट शोज दी कि हमारा कितना सपोर्ट है मार्केट के अंदर। ये डेटा हमारा जो कंपाइल ऊपर होता है ये लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 1 2 3, नियरेस्ट ये रहा, उसके बाद उससे दूर ये है, उसके बाद ये सबसे दूर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में। मॉर्निंग में रेजिस्टेंस तो 18,600 था और शाम होते होते हमारा जो सपोर्ट था वो 18,300 से चेंज होकर 18,200 एंड 18,100 आ गया है। नेगेटिविटी ये शो करता है जो करंट स्ट्राइक प्राइस, करंटली आप देख रहे हो 18,300, ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है करंटली जो एक्टिव है। और इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितनी नेगेटिविटी है या पॉजिटिवनेस है मार्केट में, उसको प्रेशर किस साइड में आ रहा है, नेगेटिव साइड में आ रहा है कि पॉजिटिव साइड में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है डाउन जाएगा, पॉजिटिव का मतलब है अप आएगा। तो यहाँ पे 380 पॉइंट्स के अराउंड आप देख रहे हो कि हमारा नेगेटिविटी है, मतलब ऊपर से प्रेशर इतना अच्छा है। ओके, और ट्रेड कॉन्फिडेंस क्या है? ट्रेड कॉन्फिडेंस इज़ अराउंड 75%। मैंने आपको बताया था ये फ्लक्चुएट करता है प्लस एंड माइनस में, करंटली ये माइनस में है और माइनस का मतलब है कि मार्केट नीचे जाने की तरफ हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। एक बेस रेंज होता है, बेस रेंज इज़ अराउंड 50। अगर 50 के अराउंड है तो हम लोग ट्रेड नहीं कोशिश करते हैं, क्योंकि मतलब है 50-50 के चांसेस है, मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है। अगर 50 के ऊपर हमारा ट्रेड कॉन्फिडेंस शो होता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, उस ट्रेड में बेनिफिशियल होता है और उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको। ऑलमोस्ट ईजिली आपको 10 to 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा वेट करोगे आपको 30-40 पॉइंट्स भी मिलते हैं, बट हम सजेस्ट करते हैं कि आप जितना जल्दी बुक कर सकें। अगर आप नए हैं आप ईजिली बुक कीजिए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप थोड़ा वेट नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी गायब होता है अगर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तो उसको रखिए, जब तक ये जो ट्रेड्स हैं बाय साइड से सेल साइड नहीं आ जाते। आपके जो बाय साइड के हैं ट्रेड सेटअप दैट इज़ पी राइट नाउ, और सेल साइड में समय कॉल हो रहा है तो कॉल को सेल चल रहा है। आज प्रीमियम बहुत ज़्यादा ईट हुआ है, उस वजह से काफ़ी सारी वैल्यू डाउन हुई है। ये एक ओवरऑल सेटअप था। ओके, ये कैसे वर्क करता है एक बार हम लोग वीडियो देख लेते हैं, जो हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की थी। हम लोग डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पे चलेंगे, वीडियो ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। मैं डायरेक्टली उसमें वॉइस को ऑफ करके मैं आपको वीडियो प्लेबैक दिखा देता हूँ। लेट मी कन्वर्ट टू 1080 ताकि पिक्चर्स क्वालिटी में कोई ख़राब ना। गिव मी अ मिनट, मैं आपका कन्वर्ट कर देता हूँ। हियर वी गो। नाउ बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हो वो लाइव हमारा ट्रेड सेटअप था। ओके, लाइव चल रहा था, और लाइव क्या मैं आपको उसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, काफ़ी बड़ी स्क्रीन में हो गया जूम। यस, गिव मी अ मिनट, इसको थोड़ा सा हल्का सा डाउन कर देता हूं। ओके एंड लेट्स गो, हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। जो टॉप ऑफ है वो हमारा करंट टाइम पीरियड चल रहा है। ओके अगर आप देखोगे ध्यान से तो करंट पीरियड जो हमारा लाइव है 3:46 हो रहा है, और जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में जो टाइम हमारा चल रहा है दैट इज़ अराउंड 2:33। ओके, ये रिकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी अराउंड, आप ध्यान दोगे ये रिकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी 2:12 के अराउंड। ये हम लोगों ने लाइव सेशन स्टार्ट हुआ था हमारा, और उस समय हमारे ट्रेड सेटअप अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या था, निफ्टी वॉज एट 18,360 के अराउंड था, और बैंक निफ्टी वॉज एट 44,090 रुपीज़। ओके, इस समय मार्केट हमारा यहाँ पे था, और उस समय भी हमको लगातार कॉन्फिडेंस लेवल देखिए हमारा क्या था, कह रहा था कि निफ्टी में कि -85%, मतलब गुड एंड गो, आप जा सकते हो, नेगेटिविटी थोड़ी कम है बट कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। ट्रेड उस समय 60 रुपीज़ पे था, बिल्कुल स्टार्ट में करता हूँ, 61 रुपीज़ के अराउंड ही हमारा चल रहा है। ओके चलिए फटाफट हम लोग इसको 2:30 पर देख लेते हैं, ठीक है, हमारा ट्रेड सेटअप कैसा चेंज हुआ। लेट्स गो डायरेक्टली 220 एंड, क्योंकि बड़ा जो मूव स्टार्ट हुआ था वो 3 बजे के अराउंड हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे, वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहा था। लेट्स मूव टू दी नाउ 225 हो गया है, और थोड़ा आगे चलते हैं 225 230 ओके। अभी आप देखो 230 के अराउंड हम लोग पहुंच गए हैं, बट मार्केट आप ध्यान से देखो कोई ज़्यादा बड़ा बिग मूव शो नहीं कर रहा है ओके। आपका क्या शो दिख रहा है अपने को कि मार्केट अभी भी उसी रेंज के अराउंड है। ध्यान से देखो आप तो मार्केट वहीं पे आपका रोटेट कर रहा है उसी जगह पे। दैट इज़ अराउंड 18,350 के अराउंड। ये 10 रुपये थोड़ा डाउन है बट कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डिजॉल्व होता है उस बीच में, इसीलिए हम लोग आपको दोनों लेग देते हैं। बाय और सेल कोशिश किया कीजिए, जो बोल्ड लेटर्स में आपको दिए हैं उनको आप ट्रेड ज़रूर करें। रेस्ट आप जो उसके ऊपर के और नीचे के जो सेटअप्स हैं, टोटल हम लोग 5 सेट्स देते हैं, 5 लेग्स दोनों साइड में, टोटल 10 हो जाते हैं आपके पास। अगर आप एक ट्रेड पूरे ट्रेड सेटअप को लेते हो तो टोटल आप 10 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, जिसमें एक आप पर लेग में आप बाय करते हो और एक सेल करते हो। रीज़न ये है कि अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको एक लाख रुपए के आसपास आपको कैपिटल चाहिए, बट आप उसके साथ साथ बाय भी करते हो तो आपको कैपिटल अराउंड आपकी 60,000 to 70,000 रुपीज़ चाहिए होते हैं। 30-40 हज़ार रुपये बच जाते हैं आपके ओके। और अगर आप लगातार 5 सेट लेते हो, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ 60,000 रुपये के आसपास एक लेते हैं एवरेज, तो 5 सेट आपके पड़ेंगे 5 से 30, 3 लाख रुपए का एक सेट आपको पूरा मिल जाता है ओके। और अगर सब में 5-5 रुपये भी आपको मिलता है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो 5 into 10 कर सकते हो, क्योंकि पर लेग में आपको मिल रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में दोनों में मिल रहा है 5-5 रुपये, तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ विद इन अ मिनट आपके हो जाते हैं ओके। और अगर आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू हमारे सेटअप क्या चल रहा है। नेगेटिव है निफ्टी, देखोगे आप ध्यान से इट इज़ स्टिल नेगेटिव। हम लोग थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे ये नेगेटिव शो कर रहा है हमको। कॉन्फिडेंस 85% है। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बैंक निफ्टी स्टिल सेंगी, हमारा 55 का कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव 18%। कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। निफ्टी में हमारा अभी भी सेल करने के लिए कह रहा है कि सेल करो और अच्छे से सेल करो, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। लेट्स मूव। अब हम लोग लगातार चलते हैं जहाँ एक्शन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहाँ हम लोगों ने एक्चुअली आपको एक सैम्पल वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट किया था। बिकॉज आप ध्यान से देखोगे इस समय कोई रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है ओके। नाउ लेट्स मूव डायरेक्टली टू द 245। मैंने आपको मैसेज में भी दिया था, प्राइम मेंबर्स आप लोग देख रहे होंगे कि आपको मैंने एक टाइम पीरियड दिया था, दैट इज़ 247। लेट्स गो देयर। करंटली देखिए इसमें टाइम पीरियड क्या चल रहा है, 228 चल रहा है, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं 247 के अराउंड। 235 हो रहा है, 242 हो गया। 5 मिनट और आगे बढ़ाते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप लोग ध्यान से देखो कि टाइमिंग 245 की है। मैं इसे थोड़ा हटाने जा रहा हूँ टाइमिंग, क्योंकि जूम इन करके हम लोग सेटअप को देखेंगे ओके। ओवरलैप हो रहा है चीज़ों का, ठीक है, ओवरलैप हो रहा है तो हम इसको हटा देते हैं, जो हमारा वाला पार्ट है ओके। नाउ टाइम इज़ अराउंड 245। आप ध्यान से देखो 245 का टाइम हो रहा है ओके और हम लोग की वीडियो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 15 to 20 मिनट्स हम लोग डायरेक्टली चेकआउट करेंगे कि मार्केट का क्या रहा मूवमेंट, मैं आपको बताऊँगा और पूरा ट्रैक करके दिखाऊँगा कैसे चेंजमेंट हुए, हम लोगों ने बात की और वो कैसे काम करती है। हियर वी गो, मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो, ठीक है। करंटली टाइम हो रहा है हमारा, करंट टाइम तो 3:52 हो रहा है और 247 के अराउंड हमने बात की थी। ट्रेड सेटअप हमें 85% पे अभी भी कह रहा था लगातार सेल करो। कॉन्फिडेंस अभी भी हमारा लगातार मजबूत है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है, पेशेंस जिसने वेट किया होगा लगातार। हमारा ट्रेड कॉन्फिडेंस चेंज नहीं हुआ किसी भी मिनट पे, अगर आप चेक करोगे कॉन्फिडेंस लेवल जल्दी चेंज नहीं हुआ है। और नेगेटिविटी थोड़ी कम ज़्यादा होती ही रहती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई हमेशा अप डाउन होता रहेगा, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी चेंज होती रहेगी। इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। कॉन्फिडेंस लेवल राइट नाउ 85% था। आप देखोगे देखिए ट्रेड 58 पे 57 पे भी अभी कह रहा है बाय करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू करो। हम इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं बिकॉज वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा देखना। नाउ स्पीड हम लोगों ने 2x कर दी है, 57 हो गया है। नाउ 18,350, ओके इट्स लोडिंग, 18,350 सेम, ओके। टाइम ज़रूरी है आई थिंक, हम लोगों को टाइम के साथ देखना बेटर। हम लोग बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लिया नहीं बिकॉज सुबह मॉर्निंग से ट्रेड कॉन्फिडेंस ज़्यादा था नहीं, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली निफ्टी को ही चेकआउट करते हैं। इससे हम लोग का टाइम फ्रेम जो है वो भी हम लोग ईजिली देख सकते हैं। टाइम को हम अपने नीचे ले आते हैं और टेक्स्ट को हटा देते हैं। ओके नाउ इट्स आई थिंक बेटर। आई होप ये विजिबल होगा सभी को। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। लगातार मूवमेंट आ रही है, 58 रुपीज़ पे अभी भी वहीं पे ट्रैवल कर रहा है ट्रेड सेटअप। टाइम हो रहा है करेंटली 2:49, ओके 2:49 दिख रहा है आप लोगों को टाइम। लाइव टाइम जो करेंटली जो जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको मैंने बॉटम में लेकर आ गया हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि किस समय रिकॉर्डिंग मैंने की है और किस टाइम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग है जो हमारे चैनल पे चल रही है, बट बिकॉज ऑफ वॉइस हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। कितनी मेहनत करके मैं बता रहा था और सारी वॉइस बेकार हो गई कोई बात नहीं। नाउ अब आप देखते रहिए, टाइम इज़ अराउंड 2:50, 2:50 हो चुका है और लगातार मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, बट आई वॉज अनअवेयर कि मेरी वॉइस क्लियरली किसी को मिल भी नहीं रही है। एवी को एक शार्प डाउनफॉल आया, ठीक है, 58 था 56 हो गया। कॉल देखते रहिए, 18,350 की कॉल इज़ अराउंड 67, ठीक है। ट्रेड कॉन्फिडेंस देखिए, अभी नेगेटिव था, नेगेटिव आई थिंक थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, 100 पॉइंट्स के अराउंड था। नाउ नेगेटिविटी 151% है। मॉर्निंग में हमारा सपोर्ट जो था वो 18,300 था, 18,200, 2:50 के अराउंड हमारा जो सपोर्ट था वो यहाँ पे 18,200 आ गया। देखिए फिर मूव आया, कोई ट्रेड सेटअप चेंज नहीं हुआ, बाय करने का सेम सेटअप। करना क्या है आपको, जब तक चेंज नहीं होता ये बाय और सेल साइड के साइड का डेटा, आपको कुछ चेंज नहीं करना। एक बार आपने ट्रेड सेटअप ले लिया, जब तक ये साइड चेंज नहीं करते तब तक कुछ नहीं करना, और जब ये साइड चेंज करें साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आपको देखना है। कॉन्फिडेंस भी चेंज होना चाहिए। अगर आप पुट खरीद के रखे हुए हैं तो कॉन्फिडेंस आपका नेगेटिव साइड में होना चाहिए, और अगर आपका पुट यहाँ से हट के कॉल आ जाए और उसका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव साइड में चला जाए 50% के ऊपर, तो आप सेल कर सकते हो ईजिली, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समय देना होगा, ठीक है, जब आप धीमे धीमे इसको वॉच आउट करोगे ईजिली सीख जाओगे। इस शीट को हम लोग नेक्स्ट मंथ रिलीज़ कर रहे हैं। जिन भी लोगों को इसमें ट्रेड लेना है और इसको ये सेटअप चाहिए वो आप ले सकते हो। आप देखते जाइए, हमारा 18,350 से नया सेटअप सेंटर में आ गया, दैट इज़ 18,300। ये क्या आपको बता रहा है, ये कह रहा है कि भैया अब 18,300 की कॉल बाय करो 46 पे, पुट सॉरी कॉल नहीं पुट बाय करो 46 पे, कॉल को सेल करो 85 पे, ठीक है। प्रेशर इज़ नाउ 6%। इस स्ट्राइक पे ज़्यादा भी नेगेटिविटी है नहीं, अभी डाउनफॉल के लिए अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो चांसेस हैं कि थोड़ा रिबाउंड भी कर सकता है। ओके रिबाउंड हो गया, देखिए फिर 18,300 से हटके 18,350 हमारा फिर से आ गया, ठीक है, बट उसने ट्रेड सेटअप लेने के लिए बोल दिया था तो हम लोग ट्रेड सेटअप लेके बैठे हुए हैं। 46, 45 पे ऑलरेडी हम लोग वैसे लिए हुए हैं। अगर किसी ने पूरा लेग लिया होगा तो वो मॉर्निंग से ही लेके बैठा होगा, ठीक है, जिसने अभी लेग लिया है तो वो अभी लेग लेके वेट कर रहा है। ओके नेगेटिविटी देखिए 18,350 पे 294% जा चुकी है, मतलब नेगेटिविटी इज़ एट पीक, ठीक है, नेगेटिविटी पीक पे है इस समय। किस लेवल पे 18,350। करंट प्राइस का चल रहा है निफ्टी का 18,328। समय क्या हो रहा था 2:56। ठीक है, 3 बजने वाला 4 मिनट बाकी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी नॉर्मल चल रहा है। आप ध्यान से देखो तो ट्रेड कॉन्फिडेंस अभी भी 55%, बट हमारा निफ्टी में बोल रहा है लगातार हमारा कॉन्फिडेंस नेगेटिव साइड में है, 85% का नेगेटिविटी। ठीक है, आप देखते जाओ 66 पे था। ठीक है, और अगर मॉर्निंग में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने मॉर्निंग में 18,400 सेंटर में था जो 73 रुपीज़ पे था। ठीक है, क्लोजिंग अगर आप प्राइम मेंबर्स हैं तो आप लोगों को क्लोजिंग प्राइसेस जब हम लोगों ने एग्जिट कराया है ट्रेड को तो वो भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो जाके। हेवी को फिर से हमें 18,300 आ गया। 46 पे ख़रीदने के लिए कहा था, प्राइस अब हो चुका है 49 रुपीज़। ओके, ये ध्यान देते रहिए। ठीक है, 46 पे बाई किया था, 49 हो चुका है। पर लेग में आपको डिफरेंस आता जा रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो 18,300 पे पहले हमारी नेगेटिविटी सिर्फ 1% के अराउंड थी, 1 to 4% के अराउंड। अब नेगेटिविटी 13% है, नेगेटिविटी धीमे धीमे बढ़ रही है। ठीक है, मार्केट में प्रेशर 18,300 पे पड़ रहा है और उसे देखिए 32% हो गया है, प्रेशर धीमे धीमे बढ़ रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं, हम लोग नेगेटिव हैं भाई, नेगेटिव। हाँ, बैंक निफ्टी में देखिए कॉन्फिडेंस अभी 55% पॉजिटिव पे था, अब सिर्फ 5% पॉजिटिव रह गया है। मतलब पॉजिटिव में भी अब ख़त्म हो गया है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस अब नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, 38%। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही हो। और आप ध्यान से देखोगे हमारा 18,350 की जो पुट की कीमत है 58 रुपीज़ थी, 67 रुपीज़ विद इन फ्यू मिनट्स ये आपको दे गया है ऑलमोस्ट 10 रुपये। 10 रुपये इस लेग में, 10 रुपये इस लेग में सेल करके मिल गया। अगर आपने 2 लॉट भी बेचा तो आपको 20 रुपये मिल गया। आप इस हिसाब से कर सकते हो, सिंगल लेग के ऊपर भी मल्टीपल लॉट्स खरीद के कर सकते हो, या फिर हर एक का एक एक लॉट खरीद सकते हो। आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। इस सेटअप को हम लोग जैसे मैंने बताया नेक्स्ट मंथ जो हमारा बैच होगा उसमें हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे जून वालों को। ये 1 हफ्ते के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल। ओके, आप इसको चेक कर सकते हो, इसके ऊपर ट्रेड सेटअप ले सकते हो। और अगर आपको इसको पूरे मंथ के लिए चाहिए तो आप हमसे बाय कर सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपीज़ है। 1500 रुपीज़ में आप पूरे मंथ के लिए आप इसको ले सकते हो। आपको डेली सेटअप बताया जाएगा, डेली चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, एक्चुअल लेवल्स क्या हैं चार्ट्स के हिसाब से भी। अगर आप प्राइम मेंबर में जुड़े रहोगे तो आपको डेटा सेटअप मिलता रहेगा। ओके, बाकी ये सेटअप, ये सॉफ्टवेयर होने अपने पास होने का फ़ायदा ये कि स्पीड, रीज़न बीइंग है कि हम लोग जब आपको प्रोवाइड करते हैं इसमें ऑलमोस्ट 5 मिनट या फिर 2 to 3 मिनट्स का डिफरेंस हो ही जाता है। हम चाहते हैं कि आपको जितना जल्दी डेटा मिलेगा उतना जल्दी आप ट्रेड सेटअप ले पाओगे। ये देखिए 18,300 के ऊपर नेगेटिविटी नाउ इज़ एट 107%। प्राइस 83 हो चुका है, 46 रुपीज़ की पुट। ठीक है, 46, हाँ राइट, 46 की पुट थी थोड़ी देर पहले, नाउ इट इज़ एट 53। आप देख सकते हो 53 रुपीज़ पे आ चुकी है हमारी पुट और ये 75 पे हो गया है। आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, उस समय क्या प्राइसिंग थी। आप रिवाइंड करके इसलिए चेकआउट कर सकते हो इसकी ऑथेंसिटी कितना वर्क करता है, किस लेवल पे। बैंक निफ्टी लगातार हमारा डाउन जाता जा रहा है। बैंक निफ्टी की नेगेटिविटी आप देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, 195। कॉन्फिडेंस अभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस मतलब हमें ट्रेड नहीं लेना है इसमें। ओके, दिस इज़ ऑल। ओके, आप इसको वॉच कीजिए। आप अगर रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर कर दूंगा फिर से। ठीक है, लिंक भी आप लोगों को आई थिंक मिला, आई थिंक वो डिलीट कर दिया गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे देखिए, वॉइस क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, आप वॉइस क्लोज करके आप चेकआउट कर लीजिएगा किस तरीके से हमारा मूवमेंट आया। ट्रेड कॉन्फिडेंस में एक थोड़ा ग्लिच था, एक डेटा चेंज हो गया था। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा आप, जैसे 55% है हमारा, यहाँ पर एक 500 पॉइंट के ऊपर चला गया था ट्रेड कॉन्फिडेंस नेगेटिविटी में। वो एक थोड़ा सा डेटा चेंज था, दैट इज़ वो 65% होना चाहिए था, -65%। वो हम लोगों ने सही करवा दिया है, वो आपको कल से सही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल गाइज, आई होप आपको ये चीज़ समझने में आसानी हुई हो। आप इस वीडियो को देख सकते हो जाके लिंक चैनल पे जाके, आज की वीडियो को, और लास्ट तक देखिएगा 3:30 तक, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से इसमें प्रेशर आए। ये जो प्राइस है पुट की 54, ये आराम से आपको 60 प्लस देके गई है। 46 रुपये से 15 to 20 पॉइंट्स आपको आराम से मिले जैसे ही मूव आया। स्विंग्स जब मोमेंटम स्टार्ट होगा मार्केट में, आपको ट्रेड्स में एंट्री देने में, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस, सब चीज़ ये सेटअप प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ क्लोज करते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज या फिर डायरेक्ट मैसेज कीजिए। सी यू गाइस टुमारो। Bye everyone.